राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दबंग जाटनी व्लॉग्स में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे कहाँ से व्लॉग स्टार्ट हो गया और ये कौन है। तो किचन में थोड़ा सा काम करा रही हूँ। व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके साथ पूरा जो चेंजमेंट है वो शेयर करूँगी। तो मेरी जो चिमनी थी, मेरी किचन है एल शेप में, तो चिमनी जो है वो बीच में लगी हुई थी, मतलब ना उधर ना इधर, बीच में लगने की वजह से फिर गैस भी बीच में आ जाती थी और गैस के साथ और दो चार चीज़ें। तो फिर मैंने चिमनी को वहाँ से हटवा के और खिड़की पे लगवा दिया। तो खिड़की पे लगवा दिया और खिड़की है भाई लोहे की, मतलब जीआई की है, तो उसमें ड्रिल करने में बड़ा पंगा हुआ, बड़ी मतलब 3 घंटे लग गए। पर जीआई में ड्रिल होने में वो नाम नहीं ले रहा था, तो उसके लिए अलग से फिर कुछ मतलब आती है ड्रिलिंग मशीन का, आगे का पिन को क्या बोलते हैं, बिट वगैरह कुछ, तो वो आई। और उसके बाद एक बिट टूटी, फिर दूसरे बिट से काम हुआ, तो फाइनली काम हो गया। और फिर ये एक बोर्ड का जो था पार्टीशन, तो वो हमारे पास पहले से पड़ा था क्योंकि काम हुआ था जब, तो घर में ही हुआ था सारा काम, तो ये पहले से था, तो ये नाप के हिसाब से काट दिया था, तो वही यहाँ पे इन्होंने लगा दिया अच्छे से। हालांकि बहुत टाइम लग गया और किचन गंदी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी बाद में, अर्चना को बहुत टाइम लगा, बट ये हो गया कि चलो मतलब काम हो गया। और चिमनी को देखो कितनी क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल एकदम से नई। और ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो काम देख के दिल खुश हो गया, पर पूरा दिन लग गया और बिल्कुल ना मतलब दिमाग कैसा हो गया, फट गया। और ये पाइप भी मैंने चेंज करा लिया क्योंकि ये अभी हमने इंस्टॉल कराई थी, तो इसके साथ जो प्लास्टिक वाला पाइप आता है ना, तो तब उन्होंने वही वाला लगा दिया था, हमने बोला कि भाई वो ये लगा दो, बट वही उन्होंने नहीं ध्यान दिया और वही लगा दिया था। बट अब मैंने कहा नहीं, अब तो मैं यही लगवाऊंगी। तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि सारा काम अपने हाथों से करें तभी संतुष्टि मिलती है। तो क्योंकि पहले जब रेनोवेशन मैंने कराया है ना, तो हमने पूरा ही एक ही बार कॉन्ट्रैक्टर को ही सौंप दिया था कि भाई ये पूरा हमें पूरा फाइनल करके दो, तो उन्होंने करके दिया, बहुत अच्छा करके दिया। पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें नहीं पसंद आती हैं किसी की भी करी हुई, तो बस वही चेंजमेंट जो है वो लगे हुए हैं। और मैं घर वालों को अब मतलब डिसीजन तो मैं ही लेती हूँ और फिर मैं बाद में बता देती हूँ कि मैं ऐसे कराऊँगी ऐसे कराऊँगी। तो मैंने घर पे बता दिया था कि ये मैं कराने वाली हूँ, तो बोले देख ले तेने जैसा सही लगे ऐसे कर ले वैसे कर ले। मैंने कहा ठीक है। और नंबर फिर मेरे पास था भी नहीं किसी का, कोई चिमनी वाले इंस्टॉल का। और ये चिमनी भाई मेरे भाई ने गिफ्ट करी थी, तो वही है ये चिमनी, तो उस वजह से फिर नंबर वंबर तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, भाई जा चुका है असम। तो मैंने कहा नहीं भाई, तो मैंने ऑनलाइन ही नंबर निकाला। और फिर ये भैया काफ़ी दूर से आए थे, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये वाला लुक किचन का और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, वो भी आप लोग प्लीज़ जो ज़रूर कर बताना। देने और अब 60 सेकंड बाद बंद हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन होता है। गैस उधर आप कर लो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पे साड़ी और कुर्ती का जो है वो बहुत अच्छा सा कलेक्शन अपडेट हुआ है बुलबुल पे। बुलबुल एक ऐप है और मेरा लिंक फ्रॉम बुलबुल शॉप आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। फाइनली ये वाला काम हो गया। इधर से पहले इधर थी मेरी चिमनी, इधर से हटके और ये इधर चली गई। अब क्या होगा, ये जो गैस है ये इधर से इधर चली जाएगी, तो सारा मतलब कुकिंग वाला काम इधर ही रह जाएगा इसी वाले स्लैब पे। और ये वाला पोर्शन जो है वो मेरा मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा यूज़ के लिए रह जाएगा, मतलब कुछ रखना है या उस तरीके से। और चिमनी का मेरे को एक बार जो लग रहा था कि कहीं मेरा डिसीजन रॉन्ग तो नहीं हो गया है कि मैंने यहाँ से भी उतरवा दी और वो वहाँ भी ना लगे, क्योंकि मेरे घर में ऊपर से नीचे तक के मैंने सारे चौखट जो है वो जीआई की करवा रखे हैं, मतलब जो लोहा बोल देते हैं मतलब मेटल में, तो जीआई में मतलब उसमें जंग वगैरह का नहीं रहता डर, तो उसकी वजह से तो जीआई के लिए बहुत मेहनत हुई बहुत ज़्यादा।
और ये सारा काम मेरा हुआ, मतलब इधर से चिमनी उधर करना, चिमनी की सर्विस करना और वो ऊपर वाला पाइप, ये काम मेरा हुआ 2200 रुपये में। क्योंकि पाइप का भी इनका था, और ये मेरे हिसाब से पाइप को हम बड़ा भी कर सकते हैं ना, विनय मन लग गए पर यो पाइप मतलब, हाँ अगर इसने पूरा खोल दे तो यू बहुत बड़ा है, तो यू इन्हें बिना खोले मतलब पूरा नहीं खोला है और ऐसे ही आ गया ये पूरा, तो ये सीन है भाई। मतलब ठीक लगी, अभी सफाई होगी ये तो, अभी तो पूरा कचरा मचा पड़ा है। बाकी वैसे लुक बताना कि ये ठीक रहा, और अभी इसका मैं एक कवर मंगवा के इसको कवर पे ना दूंगी, तो ये है सीन, ये वाला सीन यूज हो जाएगा। मतलब ये वाली अलमारी तो मेरी पूरी ऑलमोस्ट ये लगा लो कि खुली जाएगी, है ना, ये वाली। बस इसमें ये है कि इसका ये वाला दरवाजा इतना ही खुले। भाई अभी टाइम हो चुका है 6 बजे का, शाम के 6, और मैं कल बेशक से छुट्टी थी पर कल पूरा दिन मैं वैसे लगी रही, ये वो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे का, और आज इस काम में चिमनी का, और ये देखो किचन बड़ी होगी ना, इसी से काफी सारा स्पेस निकल गया। ये पूरा पोर्शन मतलब ना ये वाला लंबा स्लैब है, तो यहाँ पे गैस होने की वजह से वो ऐसा सा लगता था कि वो है ही नहीं, अब वही हो गया सिर्फ कुकिंग का गैस और ऊपर चिमनी। गैस का होगा हमने चेंज किया है अभी, विनय ने पहले इधर से था इनलेट वाला, अभी उधर से किया है, तो ये वाला ताकि वो पाइप वहाँ से वहीं चली जाए। और अर्चना भी सफाई करके गई है, और मेरे को बड़ी थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान, क्योंकि कल उस भाई बताया लगी रही, और रात को फिर थकान की वजह से कई बार ऐसा होता है कि थकान से नींद ज़्यादा आती है, और कई कल मेरे को थकान की वजह से नींद नहीं आई, 3 बजे तक मैं ऐसे ही बैठी रही, ये सो गए, मैं कहा मैंने नींद नहीं आ रही नींद नहीं आ रही। और सुबह भाई अपना 7 बजे उठ के फिर खाना वाना बनाया, क्योंकि फिर चिमनी वाले को आना था, खाना हमने खाया भी नहीं था, तो चिमनी वाले भैया आ गए, फिर इन्होंने तो बाद में खा लिया पर मैं नहीं खा पाई, क्योंकि मेरे को हो जाता है जब कोई मतलब घर में आया हुआ हो या फिर कुछ ऐसा काम चल रहा हो, तो मेरे को ये रहता है कि कभी वो उस काम में 19-20 कमी ना छोड़ दे, तो उसके सर पे खड़ा रहना है कि वो कैसे क्या काम कर रहा है। मैंने तो बोल रहे थे उसका काम है, वो अपने आप कर लेगा, वो कर लेगा, तू क्या कर रहा है, तू क्या, मैं कहा ना मैं देखूंगी मैं कहा वो कमी बेसी छोड़ जाएगा, तो उस वजह से तो ये वाला सीन है। और दोनों जो है वो ऐसे ही खुल रहे हैं, इधर वाला तो पूरा ही खुल जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा ऊंचाई पे है वो वाला, और इस वाले का जो है एक थोड़ा सा नहीं खुल रहा है, बाकी एक पूरा खुल रहा है, तो ये भी हो जाएगा। मतलब उस वाली अलमारी में हम वो सामान रखेंगे जो कम यूज वाला है, जो डेली में यूज नहीं आता है, और इधर में मैं सोच रही हूँ एक ग्लास वाला मतलब ऊपर पार्टीशन कराऊंगी, इधर में ऊपर पार्टीशन करा के, क्योंकि अभी ये वाली जगह बिल्कुल खाली है, ये देखो ठीक है, अभी इसमें ऊपर से बंद करवा के, और फिर यहाँ पे 2 पार्टीशन वैसे आ जाएंगे, और थर्ड वाला जो होगा उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्लास वाला ऐसे हाइड्रोलिक वाला करवा लूँ, ताकि मतलब उसमें कुछ क्रॉकरी वगैरह, कुछ ग्लास कप उस तरीके से रखवाऊँ, और एक बॉक्स में सोच रही थी यहाँ पे, पर यहाँ पे लगने से फिर लाइट का प्रॉब्लम हो जाएगी कि लाइट उस बॉक्स पे पड़ेगी, तो यहाँ पे तो नहीं करा सकती। हाँ इस पे जरूर मैं कुछ कराऊंगी, इस वाले पिलर पे, क्योंकि ये फिर इसी के जैसा सा हो जाएगा, ये जगह तो यूज ऐसे तो कुछ यूज में है नहीं, तो बाकी देखते हैं। बाकी आपको चिमनी का आइडिया कैसा लगा, किचन का स्पेस बड़ा या नहीं बड़ा, है ना, ये जरूर बताना भाई, क्योंकि बहुत सेटिस्फेक्शन सी हो रही है ये काम करवा के। आज चिमनी का कवर भी बन रहा है नीचे, अभी मैंने बुलाया था मास्टर जी को, मैं कहा इसका करो, क्योंकि रोज रोज रगड़ने का तो नहीं है, कपड़ा डल जाएगा, इसका नाप का कवर बन जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, तो
तो इसका नाप लेके, और नीचे बन रहा है कवर, कवर जब लग जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे हमने बनाया है। ऊपर से लेके नीचे तक का पाइप बाहर रहेगा, और पाइप तो खैर चल जाएगा यार, इतना कहाँ से, मतलब सारी चीज़ों को थोड़ी ना ढका जा सकता है। इसके बाद जब ये बन जाएगा तब मैं बनवाऊंगी, जब ये वाला चिमनी का कवर बन जाएगा ना तब मैं बनवाऊंगी सोफे के कवर, क्योंकि सोफे के कवर के लिए फैब्रिक मैं अलग सा बहुत इंटरेस्टिंग सा सोच रही हूँ, वो ही अभी मिल नहीं रहा है ना, मेरे को जाने का टाइम मिल रहा है। तो ये दो चार काम हो जाए उसके बाद मार्केट में जाके, और तब बताऊंगी दिखाऊंगी सोफे के लिए कैसे कवर और कैसा फैब्रिक लाना चाह रही हूँ। गुड मॉर्निंग, तो अभी हो चुका है भाई ट्यूसडे, और कल मैं बस उसी टाइम बात करी और उसके बाद मैं तुरंत ही सो गई, मतलब 6:30 बजे मैं शाम को सो चुकी थी। बुटीक कब बढ़ाया, कब ऊपर आए, कब क्या, होश नहीं, बस सर में इतना तेज़ वाला दर्द अभी भी है, अभी थोड़ा है, कल बहुत ज़्यादा हो रखा था शाम को, मतलब आंखें ऐसी हो रही थी कि खोल मत, बस बंद कर दें, और नहीं कि नहीं, अभी हिम्मत ही नहीं है, और अजीब सा मन ना, अजीब सा ही हो रहा था, तो उस वजह से फिर मैं बात भी नहीं कर पाई कुछ भी। अभी उठ के टाइम रखा है, अभी 9:45 बजे का, 9:50 हो रखे हैं, और आज ही इस वीडियो को अपलोड करूँगी, और अभी कढ़ी बनाई है, आटा लगाया है, क्योंकि मेरा कल सेवन कर रहा था कि कुछ कुछ खट्टा खट्टा सा खाना है, कुछ टेस्टी सा, मतलब आलू से तो मेरा मन वैसे भरा हुआ है, और मतलब कुछ सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो दही रखी थी, फिर मेरे को मैंने कहा कढ़ी बनाते हैं, और कोई चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा है, अजीब ही है, मतलब अजीब है। तो ये पता नहीं ठंड की वजह से हो सकता है या सोच ज़्यादा लिया उस वजह से भी हो सकता है, या ऊपर नीचे के ज़्यादा चक्कर हो गए मेरे उस वजह से भी हो सकता है, चीज़ें बहुत सारी अजीब अजीब सा ही हो रहा है, पता नहीं। कढ़ी अभी मेरी उबल रही है, दिखाती हूँ आपको, कढ़ी बहुत टेस्टी बनी है, उबल रही है, ये देखो, यह मैंने आटा लगा के रख दिया है, और ये मेरी कढ़ी जो है वो उबल रही है अभी। इसी से मैंने वो बेसन घोला था ना, तो मैंने अभी तक चमची कड़छी कुछ लिया नहीं है, और इसी से अभी तक मैं चला रही हूँ। तड़का मैंने अलग से बना के लगा दिया फ्राई पैन में, और बस अभी इसको और उबालूंगी थोड़ा सा, मतलब पकाऊंगी, अभी और पकेगी थोड़ी सी, और यहाँ ऐसे होने के बाद ये सही लग रहा है, उसी वाले पोर्शन पे सारी चीज़, ये वाला खाली हो गया, अब ये सफाई होनी है, और वहाँ के लिए उधर में कुछ रैक वगैरह कुछ वहाँ करवाऊंगी, ताकि ये काउंटर जो है वो खाली रहे। मैं चीज़ें सोच ही सोच रही हूँ डे बाई डे डे बाई डे, क्योंकि एक टाइम था ऐसा जब मेरे को बुटीक को ज़्यादा टाइम देना था, और कि बुटीक का सेटल कैसे क्या हो, सारी चीज़ें, वो चीज़ें हो गई, और अभी आ जाती है किचन की बारी, क्योंकि किचन मेरी पहले भी सही थी, ऐसा नहीं कि पहले ख़राब थी, आप लोगों ने भी देखा था पहले भी फिट थी, बट अभी उसमें और चेंजमेंट करके अभी उसमें स्पेस निकल आया, पहले स्पेस थोड़ा सा कम सा लगता था मेरे को, तो अभी उसमें अच्छा खासा स्पेस भी निकल आया है, और थोड़ी और चेंजमेंट सी, फिर नीचे लगूंगी तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं चुटवुट चुटवुट सी लगी रहती है। और एक मैंने वो मंगवा रखा है स्टिकर, जिससे पिंजरे पिंजरे से होते हैं ना ऐसे, वो वाला, तो इस दीवार पे लगाऊंगी मैं, तो ऐसे ऐसे करके इस दीवार से, तो जैसे लगे कि ये पिलर से निकला हुआ है ना, तो वो, क्योंकि वो मेरे से, मतलब मैंने कोशिश ही नहीं करी, ये सोच तो कई बार ही लिया पर अभी तक खड़ी नहीं हुई हूँ करने के लिए कोशिश करूँगी आज वो कर पाऊँ, और बाकी आप लोग बताना कैसा रहा, और किचन कैसी लगी, या कुछ और करना चाहिए तो वो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करना, और मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ये अभी सोते ही पड़े हैं, चलिए।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और शेयर में स्टेटस पे टांग दिया करो ना। तो के लिए बाय बाय।